7:30 बजे मरीजा की तबीयत खराब हुई है, जिसको लेके मैं सरकारी हॉस्पिटल हुजरा शाम किम गया हूँ, जहाँ पे एमरजेंसी रूम में अफजाल नामी ड्राइवर है जो एम्बुलेंस का, उसको मैंने बताया कि इसके बाजू में हार्ट प्रॉब्लम है और बाजू में दर्द हो रही है। उसका उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया है और कहा है कि इसको बाहर से जाकर लगवा ले। मेरे इसरार पे उन्होंने डॉक्टर साहब को उठाया, मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब को लेके आए। डॉक्टर साहब आए हैं तो वो नींद से, आंखें उनकी नींद से भरी हुई थी, सोए हुए थे। आते साथ उन्होंने तैश किया कि मुझे आपने क्यों उठाया, तो मैंने उनको कहा कि मरीज़ की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर ने आपको इंजेक्शन दिया, आपने क्यों नहीं लगवाया। मैंने कहा जी आप डॉक्टर हैं, आप चेक करें कि मरीज़ को क्या मसला है। उसने कहा जी मैंने चेक नहीं करना, आप इसको किसी और जगह पर ले जाएँ। तो मेरी अल्लाह काम से गुजारिश है कि हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि ऐसे डॉक्टर्स को यहाँ से नौकरी से बर्खास्त किया जाए और किसी अच्छे डॉक्टर को लगाया जाए जो इलाके के लिए अच्छा काम कर सके। जो डॉक्टर साहब हैं उनका नाम है डॉक्टर ज़िया शाह, नाइट शिफ्ट पे थे, और जो एम्बुलेंस ड्राइवर है उसका नाम है अफजाल।